पूरा बनेगा। वो नशा मौजूद है, आज भी मौजूद है। प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ द ज़ाइन 1897 में उन्होंने ये नक्शा दिया दुनिया को। एक सांप उसके गिर्द है और वो इन सब के इलाकों को ये लेकर के ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसलिए कि 1.5 करोड़ इसराइली दुनिया में है। अब जो 35 लाख आया है सिर्फ, मौजूदा इसराइल में कितने हैं? 3 मिलियन, 3.5 मिलियन। अल्लाह ना कर सकता। वो कहते हैं सारे इसराइली जो यहूदी अब यहां लाएंगे, उसके लिए हमें रखा चाहिए, हमें लगे ग्रेटर इसराइल ये हम बनाएंगे। और ये मैंने जैसा कर्ज किया कि हासिल होगा। नंबर 1 आर्मगेडॉन, नंबर 2 ग्रेटर इसराइल, नंबर 3 डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा। मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा, पता नहीं आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, ये असल में यरूशलम का एक माउंट है, एक पहाड़ी है जिसे टेंपल माउंट कहते थे। इस माउंट के ऊपर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने माबद बनाया था, इबादतगाह बनाई थी, वो उसे टेंपल कहते हैं। हमारे मस्जिद थी, हजरत सुलेमान की बनाई हुई इबादतगाह जो है वो क्या है? मस्जिद है। अब वहीं पर जो है बाद में जब सफर शुरू हुआ है हुजूर का बैतुल मुकद्दस से, तो जिस चट्टान से वो बुर्राक की जब फ्लाइट शुरू हुई है उस चट्टान के ऊपर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक बहुत बड़ा गुंबद बना दिया था। इस गुंबद के ऊपर सोने की पत्नी शाह हुसैन ने चढ़ाई है, जो फौत हो गया, जिसका बेटा है शाह हुसैन जो फौत हो गया। और उसी वक्त कहा था ये यहूदियों ने, ये सोना गालिब 35 मन या 35 टन, ये मैं कह नहीं सकता, ये सोना हमारे काम आएगा जब हम टेम्पल बनाएंगे। तो वो जो मस्जिद उमर है थी जहां हजरत उमर ने नमाज पढ़ी थी, वहां पर मस्जिद अक्सा है, और वो जो है टेम्पल जो है डोम ऑफ द रॉक कुब्बतुस सखरा, सखरा चट्टान को कहते हैं, चट्टान के ऊपर डोम है। ये है वो नक्शा है ये, लेकिन कितने लोग देख सकेंगे इसको? इसमें देखिए जो बड़ा डोम है वो इधर है, ये है कुब्बतुस सखरा, छोटा डोम इधर है, ये है मस्जिद अक्सा। लेकिन ये दोनों टेम्पल माउंट पर है, उन्हें अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। यूं समझिए यहूदियों का खाने काबा तकरीबन 1900 बरस से गिरा पड़ा है। 70 ईस्वी में गिरा दिया था टाइटस रूमी ने, हमने नहीं गिराया, रूमियों ने जो बुतपरस्त थे उन्होंने गिराया था, उस वक्त गिरा पड़ा। अब उन्होंने बनाना है। 67 में उन्हें कब्जा मिल गया। 67 से पहले ईस्ट यरूशलम जो है वो जॉर्डन के पास था। 67 की जंग में जो है इन्होंने जीता है, उसे वापस लिया है और वहां पर वो अब उसे गिराना है। ये है थर्ड आर्मगेडॉन, नंबर 1 ग्रेटर इसराइल, नंबर 2 और डिमोलिशन ऑफ मस्जिद अक्सा एंड कुब्बतुस सखरा एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड टेम्पल, और नंबर 4 वहां लाकर रखेंगे थ्रोन ऑफ डेविड को। ये पता नहीं शायद पहली मरतबा इलाज सुन रहे हो आप, मुझे भी आज से 2 साल पहले जब पहली मरतबा मैंने पढ़ा मैं हैरान रह गया, ये क्या है? हजरत दाऊद का तख्त कहीं महफूज है? हाँ, ये एक पत्थर था जिस पर हजरत दाऊद को बिठाकर ताजपोशी की गई, उसी पर बिठाकर हजरत सुलेमान की ताजपोशी हुई। फिर जब हजरत सुलेमान ने ये माबद बना दिया, वो माबद में रख दिया गया। उसके बाद किसी भी इसराइली बादशाह की ताजपोशी वहीं पर बैठकर हुई। जब टाइटस रूमी ने 70 ईस्वी में गिरा दिया उनके टेम्पल को, वो पत्थर ले गया, वो पत्थर रोम गया, रोम से आयरलैंड गया, आयरलैंड से स्कॉटलैंड आया, स्कॉटलैंड से ब्रिटानिया में आ गया, इंग्लैंड में आ गया। और इंग्लैंड में 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी की सीट के तौर पर लगाकर ये थ्रोन बना दिया गया। और ये जो उनकी पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर की पार्लियामेंट जो है उसके साथ जो चर्च है वेस्टमिंस्टर एबे उसमें रखा हुआ है। और अब बर्तानिया का किसी बादशाह कोई जो क्वीन है ताजपोशी होती उस पत्थर पर, दैट इज द थ्रोन ऑफ डेविड, वो लाकर रखा जाएगा। ये 4 निकाती एजेंडा है जिस पर ज्यूज और जो ईसाइयों में जिनको हम कहते हैं नेओकॉन, ये आजकल आप पढ़ते हैं अखबार, नेओकॉन, नेओ कंजर्वेटिव, ये लोग जो है ये मुत्तफिक है।
ये चार निकाती जिंदा, इसीलिए मैंने कहा था कि जो इस सलीबी जंग का मरकजी मार्का है वो वहां होना है, लेकिन वो चाहते हैं कि उससे पहले पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनसे निपट ले। इसलिए कि जब ये गिराएंगे, जब ये बैतुल मक़द्दस के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, और जब ये कुव्वत सगर पूरे आलम इस्लाम के अंदर आग लगेगी, और ये जो हुकूमतें हैं ऊपर बैठी हुई है मुसलमानों की, ये तो जैसे कि बाद सरमायेदार कारखानेदार जो है, एक तो उनके यहां लेबर यूनियन होती है जेन्युइन, और एक होती है पॉकेट यूनियन। वे पॉकेट यूनियन से तमाम हुकूमतें इंक्लूडिंग अवर ओन, मुशर्रफ से बड़ा पॉकेट और कौन होगा, और वो वजरदारी उसका बाप निकला है, दोनों एक दूसरे से आगे। और जैसा कि मैंने बताया, फहद के बाद हमें उम्मीद थी बेहतरी की, वहां तो फहद का बाप आ गया, वो तो सबसे बढ़कर चला गया, वो तो सजदा रेज हो गया अमरीका के सामने। तो अंदेशा है कि उस वक्त जो है हो सकता है पाकिस्तान के एटॉमिक जो असासे हैं वो फंडामेंटलिस्ट के हाथ में आ जाए, ये हुकूमतें सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। ये है, इसलिए मैं दो बातें आपको बता दूं। 1967 की जब जंग हुई थी, सिक्स डेज वॉर, इसराइल ने 3 मुसलमान मुल्कों को शिकस्त दी। एक वक्त मिस्र से सीनाई पेनिनसुला ले लिया, शाम से गोलान हाइट्स ले लिए, और जॉर्डन से ये पूरा वेस्ट बैंक ले लिया। इसी वेस्ट बैंक के अंदर ये हिस्सा था जिस पर के टेंपल माउंट है, और जिस पर ये 2 स्ट्रक्चर्स हमारे खड़े हुए मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, मस्जिद अक्सा और नंबर 2 कुब्बतुस्सख्रा। उस वक्त जो है इन्होंने जश्न मनाया था 1967 में, अपनी फतह का जश्न मनाया पेरिस में, और वहां तकरीर की थी बिनगोरियन ने। बिनगोरियन हुआ दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और उसने ये कहा था हमें किसी अरब ममालिक से कोई खतरा नहीं है, हमें खतरा सिर्फ पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो नहीं था उस वक्त। इस वक्त जो है उस असल सलीबी जंग की तमहीद के तौर पर, एक तो ये कि अफगानिस्तान में इस तरह पंजे गाड़कर अमरीका बैठना जाने वाला नहीं है। ये हमारे बाद दोस्तों ने जो बलूचिस्तान में रहते हैं बताया, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, ऐसे बंकर्स बना रहे हैं, इतने हैवी बंकर्स कि पता ही नहीं चलता इनके वापस जाने की कोई नियत है। ये पंजे गाड़ कर बैठेंगे, क्यों बैठेंगे? इन्हें पता है हदीस रसूल का कि जब वो आखिरी मरहला आएगा जंगों का, तो इसके बाद यहां से फौजें जाएंगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होकर जंग करेंगी, यहूदियों के साथ। वो आखिरी मरहला, वो दूसरा दौर जो आना है, ये पहले दौर की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे दौर का एंड आपको बता रहा हूं। और हुजूर ने ये भी बताया कि जब मेहदी आएंगे तो उनकी मदद के लिए ये मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी, मशरिक में पाकिस्तान। बहरहाल इसलिए वो इस दोनों का मामला जो है पाकिस्तान के कम से कम एटॉमिक दांत तोड़ दे, एटॉमिक दांत, और वो हमारे अंदर घुस चुके हैं, हमारे घरों में घुस चुके हैं। इस्लामाबाद का घेराव है, सिहाला में उनका मरकज है, और जो अमेरिका की एम्बेसी है वो क्या है, कहा जा रहा है कि मिनी पेंटागन बन रही है वहां पर। सैकड़ों मकान उन्होंने इस्लामाबाद में लिए, सैकड़ों मकान उन्होंने पिशावर में लिए, पिशावर का जो है 5-स्टार होटल टोटल उनके कब्जे में है, हमारी बात जो है एयरपोर्ट उनके कब्जे में है, हमारा वजीर आजम ये सदर भी नहीं जा सकता वहां पर, किसी और पाकिस्तानी ऑफिशियल की जाने का क्या सवाल, नॉट इवन योर प्रेसिडेंट और योर प्राइम मिनिस्टर के बोल दिया, वो उनके अपने। तो ये तो दर हकीकत सूरह बनी इसराइल में अल्फाज आए हैं, फैजा जा वाद उला हुमा बासना अलैकुम इबादल लना उली बासन शदीद फजासु खिलादत दियार। वो तो हमारे अंदर घुस चुके हैं, हमारे घरों में घुस चुके हैं, जब चाहेंगे कर लेंगे, उसके लिए उन्हें कोई बहाना चाहिए बस। ये हमारे यहां सारे जो हो रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े धमाके जो कराची में हुआ है, ये तो खुद कुछ भी नहीं है, ये कहां से हो रहा है? रिमोट कंट्रोल कहां से इन्हें इस किस्म का जो मवाद मिल रहा है, इस किस्म का बारूद कहां से मिल रहा है, कौन है? ये सब अमेरिका का मामला है। वो चाहता है पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाए तो हमें मौका मिल जाए, वी शैल एंटर, नेटो फोर्सेज आएगी मगरिब से और भारतीय फोर्सेज आएगी मशरिक से, ताकि हम पाकिस्तान का एटमिक हथियार खत्म करें। उसके बाद पाकिस्तान विल बी एट दी मर्सी ऑफ भारत, माज़ अल्लाह। ये उनके नक्शे हैं, होगा क्या वो अल्लाह जानता है। हमारा काम क्या है, ये सारी चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, वी आर वेयर, वेयर डू वी स्टैंड, वेयर वी आर हेडिंग, जा कहां रहे हैं, ये इंसानियत का जो काफिला किधर जा रहा है, क्या हालात आने वाले हैं। आखिर हुजूर यूं ही तो खबरें नहीं दी,
कोई आपकी हॉबी तो नहीं थी माज़ अल्लाह, ये नबुव्वत का फंक्शन है जो आपने अदा किया, खबरें।